फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो टीआरपी पॉइंट में अगर छोटा सा भी बदलाव होता है मैनिपुलेशन से या अदरवाइज उसका असर हंड्रेड ऑफ करोड़ में पड़ता है, रेवेन्यू पे एडवर्टाइजर से जो पैसा आता है उस पर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका फायदा होता है और कुछ लोगों को उसका नुकसान होता है। टीआरपी को मेजर करने के लिए एक बीएआरसी नाम की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है। इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में अलग अलग शहरों में और देश में पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, टेलीविजन चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउसहोल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउसहोल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउसहोल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए, आप घर में हैं या नहीं हैं ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। एक पहले हमने हंसा का एम्प्लॉई पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉई, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। दो व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं, कुछ मुंबई में हैं कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउसहोल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था।
जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था BIRC की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो BIRC के लिए काम करती है। BIRC ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की, BIRC ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन स्ट्रेंथ TRP के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।